लॉकडाउन खुलन के बाद हुण लुधियाना शहर के बाजारों में रौनक वधनी शुरू हो गई है। चौड़ा बाजार में चौपहिया वाहनों के कारण ट्रैफिक जाम होना भी शुरू हो गया है। कोविड 19 के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने इस लैके अहम कदम चुकने शुरू कर दिए हैं। पुलिस ने निक्का मल सराफ चौंक में बैरीकेडिंग करके चौपहिया वाहनों लोडिंग रिक्शा आटो आदि के चौड़े बाजार में दाखिल होने उत्ते रोक लगा दी है। इसके अलावा माल रोड और दूजे बाजारों में भी ट्रैफिक पुलिस ने नियमों की उलंघना करने वालों को नोटिस देने शुरू कर दिए हैं। दस दिए कि इस तो पहला भी लुधियाना पुलिस और नगर निगम ने शहर में गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ मुहिम शुरू की थी, जिसके तहत शहर के कई बाजारों में दुकानदारों को नियमों की उलंघना करने के नोटिस दिए गए सन। इस मौके DCP ट्रैफिक पुलिस सुखपाल सिंह बराड़ ने दसिया कि आने वाले दिनों में कई त्यौहार आने वाले हैं और फेस्टिवल सीजन होने के चलते दुकानदार सड़कों उत्ते समान रख के कब्जा कर लेते हैं, जिस कारण राहगीरों को निकलने में परेशानी होती है और जिसनों वेखते हुए पुलिस प्रशासन वालों उक्त मुहिम शुरू की गई है। वैसे तो साडा अभियान 12 महीने चलता रहता ट्रैफिक पुलिस का, क्योंकि असं रोड से जो तो अभियान चलते रहेंगे, पर हूँ जो त्यौहारों का सीजन आ रहा जिमें उसू मद्देनज़र रख के असी जिमें चौड़ा बाजार है, कुमार मंडी है, जेडे ज भीड़ भड़के वाले जड़ी जगह है उन्होंने असी स्पैशल साड़ी टीम लाइया हुई हैं। हरेक थाने के एक NGO नाल एक ओवर ला के मोटरसाइकिल के उत्ते कितने भी कोई ट्रैफिक की समस्या उन्होंने सोल्व करते हैं। इस तरह साढ़े 28 थाने 28 मतलब जोड़े है असी NGO लाए हैं और 28 टीम साड़ियाँ काम कर रही हैं और उन्होंने उत्ते सब डिवीजन वाइज असी 3-3 थाने उत्ते सब डिवीजन वाइज भी साढ़े बंदे ड्यूटी कर रहे हैं। असी जिहड़े जिवें पहला तुसीं देखिया होना पिछले लॉकडाउन तो पहला भी आपां एक दुकानदारां दी जां रेहड़ियां फड़ियां दे अगेंस्ट एक आपां एक मुहिम चलाई सीगी इनक्रोचमेंट नूं लैके। सेम उस तरह ही हुण असी दूसरी बार, क्योंकि लॉकडाउन दे विच सारा कुछ बंद सीगा, हुण ट्रैफिक फिर नॉर्मल हो गया और त्यौहारां दे दिन आ गया, इस करके बाहरली स्टेटा के लोग भी अपने को इतने लुधियाने शॉपिंग करने वगैरह आते तो रश बहुत ज़्यादा है। तो इनक्रोचमेंट जी दुकानदारों असी नोटिस दे रहे हैं भी जो उन्होंने बाहर समान लाया भी वो ना लाने और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, असं अनाउंसमेंट भी करवा रहे हैं, पर जे नहीं इस काम तो नोटिस देने बाद या अनाउंसमेंट तो बाद नहीं वो बाज आएंगे तो फिर उन्होंने खिलाफ असी कानूनी कार्रवाई भी करा। किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, कोई नोटिस वगैरह भी दिया? नोटिस हाँ जी अभी तो नोटिस चल रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं हूँ असी और तुम देखा होना डेली साढ़े मेरे ख्याल जिन्हें भी 28 थाने है सारे एरिया जा के साथ जिन्हें भी इनक्रोचमेंट लोगों ने की हुई है उन्होंने नोटिस दे रहे हैं। नोटिस देने तो बाद असं टाइम दिता जे नहीं भी वो अपना समान अंदर करे या ट्रैफिक जाम की समस्या के प्रॉब्लम आऊगी तो फिर असी उन्होंने खिलाफ कानूनी कार्रवाई करा। मेन जिमें है चौड़ा बाजार है, जिस तरह मॉडल टाउन है, कुमार मंडी है, मतलब चौड़ा बाजार वाली चारे पासे जिहड़ा चौड़ा पुराना लुधियाना हैगा, मेन प्रॉब्लम उत्थे आउंदी है क्योंकि उत्थे भी व्यापारी लोग बहुत आउंदे और आउट ऑफ स्टेट भी बहुत आउंदे, जिथे भीड़ भड़के वाले एरिया ज़्यादा है उत्थे सारे। मतलब त्यौहारां दे दिन दे विच लुधियाना वासियां नूं ट्रैफिक दा सामना नहीं करना पवेगा? हाँ, मेरी लुधियाना वासियां नूं शुरू तो ही मैं अपील करता हाँ कि थोड़ा जिहा साढ़े ट्रैफिक नाल जां साडी पंजाब पुलिस नाल ना थोड़ा जिहा कोऑपरेट करके चलन, क्योंकि ये प्रॉब्लम साडी पुलिस की नहीं है, ट्रैफिक पुलिस की नहीं है, ये प्रॉब्लम साढ़े तो वध लोगों की भी है और जे असी ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करांगे तां ये समस्या सारे शहर च आनी है और सारे लोग ट्रैफिक जाम की समस्या से फसते भी है। तुसीं देखिया ही है जिवें हुण दुकानों के बाहर 8-8 फुट लोग समान रख के बैठ जाते हैं और जिहड़ी 30 फुट सड़क है वो 10 फुट रह जाती है, तो ट्रैफिक जाम तो नैचुरली होना ही होना, गड्डियां का इन्ना आवाजाही रहिंदी है, हादसे नैचुरली है, एक्सीडेंट भी होंगे है और सब तो वड्डी समस्या जी है जाम की है लुधियाने के और कई थां ते देखा तुसीं जिवें हुण फिरोजपुर रोड है जां पखोवाल रोड है, इत्थे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, फ्लाईओवर बन रहा, ये भी बहुत वड्डी एक समस्या है। इस करके मैं लुधियाना वासियों नूं अपील करूँगा कि कम से कम ट्रैफिक पुलिस के नाल मोढ़े नाल मोढ़ा डाह के साडे नाल ट्रैफिक की समस्या सोल्व करन दे विच ठीक करन दे विच साडी हैल्प भी करन और असी हमेशा 24 घंटे लोगों की सेवा हाजिर है। प्राइम मोदी लुधियाना तो हैरी रिपोर्ट। दुकानदार वीरों को बेनती करते हैं कि बाहर कोई चीज़ ना लैन दो, आपकी जी बाहर तो रेहड़ी बड़ी कटी हुई है ना, उन्होंने मेहरबानी करके त्यौहारों के दिन ने उन्होंने अंदर रख